ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीबी बताओ क्या होता है। एस एन, एस एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये भी तो लिखना, ये रेटी में होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। लेकिन ये हम कब अप्लाई करेंगे, ये हम अप्लाई तब करेंगे व्हेन आर इज ग्रेटर देन, अगर आर वन से बड़ा है तो इसका सम ऑफ एन क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, ठीक है। लेकिन अगर सम ऑफ आर अगर लेस देन वन है तो यही सम सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन और आर लेस देन, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, लेस देन किसके इक्वल होगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन व्हेन आर इज देन वन, एंड ये कब होगा व्हेन आर इज लेस देन, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, अगर तुम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हो, नीचे से भी माइनस कॉमन लेते हो और माइनस को माइनस से कट कर देते हो, बस इतना ही डिफरेंस है बाकी तो, ठीक है। चलो देखो जरा, जिसमें पहला क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया क्वेश्चन आपने, 7 तक कर लिया, 7 कर लिया, 7 में क्या दिया हुआ अभी देखना जरा, कहता है फर्स्ट टर्म कितनी है 0.15, सेकेंड टर्म कितनी की मैंने 0.015, 0.015, थर्ड टर्म कितनी है 0.0015 एंड सो, ये आपके टर्म सम जीपी दी हुई है, आप ऐसी 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, कॉमन रेशियो होना चाहिए, एन होना चाहिए, तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ए टू बाई ए वन करो, ए टू को ए वन से डिवाइड, ए टू कितना है 0.15 अपॉन 0.15, ठीक है, 0.15 डिवाइडेड बाई दिस, जैसे देखो क्या आ जाएगा बताओ, अगर 0.15 का डेसिमल हटाए तो 15/1000 बनेगा, और इस 15 का डेसिमल हटाए तो क्या बनेगा, तो कितना होगा 100, ठीक है, 2 0 हम यहाँ कट कर सकते हैं, 15 से कट हो जाएगा, कितना आएगा 1/10, कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/10, 1/10 भी लिख सकते हो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 0.01, दोनों ही लिख सकते हो 4 4 पॉइंट, ठीक है। नाउ एस एन सम ऑफ एन टर्म्स बताओ क्या हो गया, एस एन ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन ऑन आर माइनस, ये एस एन हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज दिस, ये क्या है अभी बताओ, ये क्या है 1/10 लिखो या फिर क्या लिखोगे, अच्छा यहाँ पर 1/10 है ना, तो सॉरी ये क्या, ए तो ये है, ए तो क्या है 0.15, ठीक है, अच्छा अगर आर 1 से छोटा है फॉर्मूला दूसरे वाला लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 - r² अपॉन 1-, ठीक है, दिस इज 0.15, 1- आर कितना है 1/10, 1/10 टू द पावर एन अपॉन 1-, पॉइंट 1/5 टेन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन 10 टू द पावर एन, क्या आएगा, अच्छा इसका एलसीएम देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ आया ना, 10^n-1 अपॉन कैसे है एलसीएम लिया, तो किसका एलसीएम लोगे तो ये सिंपलीफाई होकर 9/10 आएगा, इनटू में 9/10, इस 1/10 से आप इसका ये कट भी कर सकते हो, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्या एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो,
भी शायद आंसर ऐसे ही है, तो ऐसे ही रहेगा। दिस इज 0.15, 0.15 इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n, अपॉन क्या आ गया, क्या आ गया, 9/10, 9/, ये समझ में आया आपको? फिर से देखो, 1 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा, की क्या हमें 20 टर्म्स का सब निकालना है? तो एन के जगह 20 डाल दो, एन के जगह क्या डाल दो, 20, ठीक है, ये हो गया 0.15। 0.15 का डेसिमल अगर हटाते हो तो 15/100 हो जाएगा, और ये जो 9/10 है इसको उल्टा कर दें, इसको लिख देते हैं 10/9, तो में ये कितना हो गया, 1 माइनस 0.1 टू द पावर, यहाँ से आप 0 कट करोगे, 5 2 जा 5 3 जा 3 से 1/6 आ गया, आ गया एसएन आपका कितना आ गया, 1/6 इनटू इनटू 1 माइनस 0.1, ये आपका हो गया सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। ठीक है चलो आगे, आकाश नहीं हुआ, ठीक है। सेम एक लाइक अगला क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस दिया आपको √7, 21, 3√7 एंड सो, ठीक है। अब तो एन टर्म्स तक का इसका सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, कॉमन रेशियो करो जरा फाइंड, कॉमन रेशियो क्या होगा, आर इज इक्वल टू a2/a1 करो फाइंड आउट, स्क्वायर क्या कर देते हैं, देखो भाई a2/a1 बीच में निकाल लिया कितना आया, 21/√7, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम √7 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे √7 है, कट हो जाएगा, कॉमन रेशियो हमारा आए, ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया। अब क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, √3 1 से बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है √3 अगर 1 से बड़ा है तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a√r^n-1/r-, ठीक है, ए व्हाट इज ए, 7, आर आर क्या है, आर है √3, आर है हमारा √3, रेज टू पावर कितने टर्म्स का सम निकालना है, एन टर्म्स का, रेज टू एन डाल दो, -1 अपॉन 3 -1, ठीक है, r^n-1/r-, सेम एक बात करो, नीचे रूट आ गया तो रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, इसको रैशनलाइज कर दो, इनटू में किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 प्लस 1, नहीं छोड़, √3 प्लस 1 से इसको क्या आ गया, ये √7। अब आगे से ऐसे ही करेंगे भी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जब तो भी अच्छे तो आके अपना रिकॉर्डिंग देख के जाओ, है ना, बहुत छुट्टियां लेने लग गया आकाश में। अच्छा करो इसको, इससे मल्टीप्लाई तो √3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n+1, इस √3 को फिर
पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले रूट थ्री को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, क्या आ गया थ्री आ गया, फिर वन से करोगे क्या, एक काम करते हैं इसको ऐसे ही छोड़, ठीक है ऐसे ही छोड़ दे, ठीक है क्या बनेगा, रूट थ्री टू द पावर एन माइनस वन अपॉन, नीचे क्या बनेगा, रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे थ्री माइनस वन आएगा नीचे हो जाएगा, इनटू में एक मोर है ना ऊपर, ठीक है ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, अगले वाले में भी सम ही फाइंड करना है ना, फर्स्ट टर्म गिवन है वन, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है वन, सेकंड क्या है, हाँ फर्स्ट टर्म वन गिवन है, दूसरी टर्म कितनी गिवन है माइनस वन माइनस एट माइनस एट, थर्ड टर्म क्या गिवन है ए स्क्वायर क्या गिवन है, ठीक है माइनस एट राइट, कितने टर्म्स निकालना है और कितने टर्म्स का सम निकालना है, एन टर्म्स का सम, विष्णु कॉमन रेशियो क्या होगा, करो जरा जल्दी करो, कॉमन रेशियो फाइंड करो, माइनस ए बाई वन, माइनस ए बाई वन माइनस ए आएगा, ठीक है अगर तुम ए थ्री बाई ए टू भी करके देख सकते हो, ए थ्री बाई ए टू, देखो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि फाइंड सम ऑफ एंट्रेंस ऑफ दिस जीपी, तो तब तो पता लग गया कि ये जीपी है, कॉमन रेशियो का हमें पता लग ही जाता है कि ए टू बाई वन करके आएगा, लेकिन एग्जाम में आ जाता है सम ऑफ एंट्रेंस पूछ लेते हैं, तो ये तो नहीं पता ना कि जीपी है, पहले आपको जीपी चेक करना पड़ेगा, फिर आपको जैसे आपने कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए क्या किया है, ए टू अपॉन ए वन किया है, इसी तरह ए थ्री अपॉन ए टू भी करके देखोगे तभी तो पता लगेगा कि रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है तो फिर ये जीपी, जैसे यहाँ पर आप ए स्क्वायर बाई माइनस ए करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ए आ जाएगा, कॉमन रेशियो ठीक है जीपी है, अब ये तो नहीं बताया कि ए क्या है, बड़ा है वन से या छोटा है, वन के इक्वल है बस, ठीक है ए क्या है ये तो बताया नहीं, तो ठीक है लगा लो, तो माइनस यहाँ में पर यहाँ से तो वन से छोटा ही होगा, क्या आपका ए पहले से ही नेगेटिव हो, ए की वैल्यू माइनस टू हो और माइनस ए कॉमन रेशियो है, ए प्लस टू होगा तो कॉमन रेशियो आ तो जाएगा, सर आर से लेना देना है ना कि आर वन से छोटा होना, तो माइनस ए तो वन से छोटा ही है, माइनस ए कभी वन से छोटा नहीं होता है, जब तक ए नहीं पता क्या है, माइनस ए और ए को मैं ले लू माइनस टू, ए को मैं क्या ले लू माइनस टू, ये प्लस टू बन गया ना, ठीक है तो जब तक ये नहीं पता कि ए क्या है हम नहीं कह सकते कि ए वन से छोटा है या बड़ा है, ठीक है तो आप दो फार्मूला भी लगा देंगे ठीक होगा, ठीक है तो स्कूल में इधर बड़े नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मन सकती नहीं लगाना, नहीं दिया तो ये वाला लगा, तो दोनों ठीक होते हैं, जैसे पढ़ा रही हूँ तो ध्यान से सुनिए ना, वो क्या कहती है कि कौन सा वाला लगाना है, वैसे दोनों ठीक, मैं तो ये वाला लगाता हूँ, a इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, ठीक है ऐसा अगर ऐसे आप लगाएंगे तो दिस फर्स्ट टर्म इज वन, मुझे यहाँ ए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ए क्वेश्चन में भी है, ठीक है तो यहाँ तो हम यहाँ पर आप कैपिटल ए लिखो, और इधर कितना आ जाएगा भाई, अगर माइनस कॉमन रेशियो हमारा माइनस ए है, माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन क्या आएगा माइनस ए माइनस, ठीक है अब इसी में अगर तुम उल्टा कर देते हो दूसरे वाला फॉर्मूला लगा देते हो, ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हो तो दोनों एक ही रहेंगे माइनस ए टू द पावर एन, करता और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हो कितना आ जाएगा वन प्लस ए, ऊपर से माइनस कॉमन लिया दोनों माइनस एक दूसरे को कट कर देंगे, कहीं भी छोड़ दो भी ठीक होगा, इस स्टेप पे छोड़ देते हो ये भी ठीक है यहाँ भी ठीक है, चले आगे
अगले क्वेश्चन में जरा करके दिखाओ मुझे, 10th वाला क्वेश्चन। आयरन हो रहे हैं क्या? कर लिया ना हमने, कोई रहता तो नहीं। चल अच्छा याद रखना उसको भी कर ले। अच्छा ओके बोलो, क्या क्वेश्चन था? एक्स क्यूब एक्स और एक्स रिस्टोर्स तो उसमें जाएंगे। चलिए चेक करो, एक्स क्यूब इनटू एक्स टू द पावर एक्स कॉमन रेशियो एक्स क्यूब है तो नहीं एक्स क्यूब। आगे क्या है? इलेवन समेशन ऑफ, समेशन फाइंड करना है आपको, समेशन ऑफ बोलना जरा। ये समेशन का सिंबल है, ये वेरीज फ्रॉम 1 to 11। ठीक की वैल्यू क्या है? 1 से 11 तक समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to 11 एंड 2 + 3 to the power 3, 2 + 3 to the power 3 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। समेशन ऑफ समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 to the power 3। देखो जरा, देखो इसको फटाफट, के वेरीज फ्रॉम 1 to 11 समेशन, समेशन के वेरीज, ये समेशन का सिंबल है ठीक है। समेशन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 11 तक, इसका 2 + 3 to the power 3 का समेशन का मैं मतलब होता है सम। और ये कैसे एक्सपेंड होगा? देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, के को यहाँ पर, के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? के 1 से स्टार्ट हो रहा है, के को 1 डालेंगे, 2 + 3 to the power 1, के को 1 डाल दिया, पर 2 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, जहां पर के है वहां 1 डलेगा, 2 + 3 to the power 1 प्लस प्लस। अब समेशन का मतलब होता है एडिशन, सम, तो आप प्लस का साइन लगाओगे, एक बार के को 1 डालने के बाद प्लस का साइन लगाओगे, अब के की अगली वैल्यू डालोगे 2, 2 + 3 to the power करेक्ट, 2 + 3 to the power वो सॉरी 2, ये को क्या डालोगे? 2 डालोगे, देन फिर से प्लस का साइन लगाओगे और इस पूरी टर्म में जहां जहां पर के है वहां के को 3 डाल देंगे, 2 + 3 to the power 3 प्लस प्लस 11 में करना है मुझे। हाँ। और ये आपको करना है कहाँ तक है? 11 तक, क्योंकि के की जो लास्ट वैल्यू दी है वो 11 दी है, इसमें आप लिखेंगे 2 + 3 to the power 2 + 3 to the power 11 करेक्ट आएगा। अब इसको ध्यान से देखो आप, हर ब्रैकेट में, अच्छा हमने पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, लास्ट में 11 डाला, ऐसे ये 11 टर्म्स ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं वो हमारी 11 टर्म्स, क्लियर है? अब सारी टर्म्स में एक एक 2 है, जिसका मतलब 2 कितनी बार है यहाँ पर? 11 टाइम है, और सबके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, सारे प्लस के 2 हैं, तो 2 + 2 + 2 अगर इन सारे 2 को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये कितनी बार आएगा? 11 टाइम्स ऐड होगा, 11 टाइम्स ऐड होगा, सारे 2 को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दो तो कितने टाइम ऐड होगा? 11 टाइम ऐड प्लस, आगे हमारे पास 3 to the power 1, 3 to the power 2,
3 to the power 3, देन 3 to the power 11 तक, इन सबको इकट्ठा करो। 3 to the power 1, ये भी सारे प्लस के हैं, प्लस 3 to the power 2, प्लस 3 to the power 3, प्लस कहाँ तक जाएगा, 3 to the power 11, करेक्ट। ये कितना हो गया अभी, ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2, 11 टाइम ऐड किया है, तो ये हो गया 20, प्लस 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 11, बट क्या है ये, सीपी है। तो एक ऐसी जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 3। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है। अगर आप ए टू को ए वन से डिवाइड करेंगे, ए टू को ए वन से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 स्क्वायर बाई 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आ रहा है 3। तो एक ऐसी जीपी है इसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 3 है, तो कॉमन रेशियो हो गया 1 से बड़ा। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे इस पे आप, r to the power n-1 वाला, a इंटू r to the power n-1 अपॉन r-1, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। हेलो, हाँ जी, देखते क्या हो भैया, देखते ये लोग पहले मिले, ठीक है, करो जरा इसको कैलकुलेट करो, मैं इनको देख लेता हूँ। पहले ही बोल कर देते हैं, पहले तो देने में चल जाएंगे, बस बहुत बाद में सॉल्व। -3 ग्यारह नहीं है, तो बाहर वाला जो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, ये बाहर का 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3 पावर 12 हो गया, ठीक मैंने तो सर ऐसे छोड़ दिया, तो है। तो कर दो कोई बात, थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 माइनस में 3 प्लस 3 to the power 12, मैंने माइनस ये जो 3 था इसको थोड़ा पहले लिख दिया, ठीक है। एलसीएम क्या है दोनों का, फाइनली ये क्या आ जाएगा, 41। अच्छा ठीक पिछले टर्म में ही छोड़ दिया, है, चलो 22 वाले में छोड़ता है, तो आप यहाँ पर छोड़ दो, 22 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया या बाहर छोड़ दिया, 3/2 3/2 को बाहर लिखा है, किस तरह करना है कैसे छोड़ दो, 22 प्लस 3/2 इंटू 3 to the power 11 माइनस, क्या यही छोड़, चलिए, नहीं तो थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप हो, ठीक है। ठीक चलो नेक्स्ट, अगले इसमें क्या दिया अभी, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ, सॉरी कहाँ पढ़ने देते हैं, 12th क्वेश्चन पढ़ो, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी 39/10, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स का, सम 3 टर्म्स का, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज दिस S3, 3 टर्म्स का सम कितना है, 39/10 है, 39/10, प्रोडक्ट इज 1, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी कि जीपी की 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 1 दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें जब एपी में टर्म्स लेनी होती थी और हमें सम ऑफ टर्म्स दिया होता था, एपी की टर्म्स का सम हम कैसे लेते थे,
टर्म कैसे लेते थे, जब हमें सम दिया हो, एपी में, सॉरी एपी में जब हमें तीन टर्म लेनी हो जिसका सम दिया होता हम ऐसे लेते थे। मान लो थ्री टर्म्स का सम दिया है तो एक टर्म को हम लेंगे ए माइनस बी, एक को लेंगे ए और एक को लेते थे ए प्लस बी, लास्ट आंसर व्हेन सम इज गिवन। ठीक है, लेकिन यहाँ जीपी तो एपी तो है नहीं, यहाँ तो जीपी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको आपको प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स गिवन हो, क्या गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स, तो आपको टर्म्स चूज करनी है ए बाई आर, ए एंड ए आर। अगर आप तीनों टर्म्स को देखोगे तो ये जीपी में, तीनों टर्म्स को देखोगे तो दिस बाय दिस करोगे कॉमन रेशियो आर आएगा, दिस बाय दिस करोगे कॉमन रेशियो आर आएगा, दीज थ्री टर्म्स आर इन जीपी। ये तीनों टर्म किसमें है, जीपी में है, एस थ्री इज दिस सम ऑफ थ्री टर्म्स इज। अच्छा, अगर हमें यह गिवन है तीन टर्म्स का प्रोडक्ट, ऐसा कब करना है जब तीन टर्म्स का प्रोडक्ट आपको गिवन। अब तीन टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है मतलब ए बाई आर, ए इंटू ए आर, दिस इज इक्वल टू गिवन टू अस वन दिया हुआ है, ठीक है, इसके इक्वल दिया है वन के इक्वल, तो फिर हम आर को आर से कट कर देते हैं, ए क्यूब आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू वन, दैट गिव्स यू ए इज इक्वल टू, ए क्यूब इज इक्वल टू वन है मतलब ए क्या है, वन है। अब एक बात बताओ, ए मिल गया हमें, ठीक है लिख लो यहाँ तक, हमारा प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, हाँ ए आ गया ना, आप सम दिया ना तीन टर्म्स का, इसका क्या मतलब है, ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर, दिस इज इक्वल टू इतना 39/10, बट ए की तो वैल्यू मिल गई हमें, डाल दो इसमें वन अपॉन आर प्लस वन प्लस में वन प्लस आर, ए को वन डाल देंगे तो क्या आएगा आर, दिस इज 39/10 दिया हुआ है। एलसीएम ले लो, लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लो, आर आएगा एलसीएम, क्या बच जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर, दिस इज 39/10 करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपने ने मुझे सिखाया था क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस करो कर इसको 3.9 में फिर आर को नहीं, 10 प्लस 10 आर प्लस में 10 आर स्क्वायर, इसे 39 आर, करेक्ट, ले आओ लेफ्ट में सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, 10 आर स्क्वायर, ये 39 लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में पहले से ही 10 प्लस का है, राइट का 39 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 29 आर प्लस में ये वाला 10, विष्णु समझ आ रहा है, दिस इज इक्वल टू हो गया, ये एक बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर बनाए, क्या फैक्टर आएंगे बताओ जरा, क्या फैक्टर आएंगे, 25/24 25 10 आर स्क्वेयर माइनस 25 आर, 25 माइनस के 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0,
यहां से क्या आ गया आपके पास, देखो जरा, फाइव ओके कॉमन ले लिया, फाइव आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा टू आर माइनस फाइव। आगे वाली दोनों टर्म्स में से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस टू कॉमन लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, बचेगा टू आर माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो टेकिंग टू आर माइनस फाइव कॉमन, टू आर माइनस फाइव को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव आर माइनस टू, क्या आया यहाँ से, दोनों को जीरो रखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो रखेंगे तो आर हमारे पास कितना आएगा, फाइव बाई टू, और सेकेंड ब्रैकेट को जीरो रखेंगे तो आर कितना आएगा, टू बाई फाइव, बीच में और लिखा हुआ, ठीक है। अब एक बार तो मैं आर की एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो मैंने आर को ले लिया फाइव बाई टू, और ए मेरा कितना है वन, तो तीन नंबर हमारे कितने थे अभी, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, ये क्या बन जाएंगे, ए तो वन है, अच्छा वन अपॉन आर कितना है, हम ले रहे आर को फाइव बाई टू, तो नीचे फाइव बाई टू करेंगे उल्टा हो जाएगा, तो ये टू बाई फाइव हो जाएगा, एक नंबर तो आएगा टू बाई फाइव, ए तो हम देख चुके वन है, ए इंटू आर वन इंटू फाइव बाई टू, तीसरा नंबर आएगा फाइव बाई टू। आर को अगर हम फाइव बाई टू लेते हैं तो हमारे जो तीन नंबर आएंगे वो क्या होंगे, टू बाई फाइव, वन एंड फाइव बाई टू, करेक्ट, ये हो गया। अब अगर हम ए को तो वन ही रखें तो आर को क्या ले लें, टू बाई फाइव, तो हमारे तीन नंबर ए अपॉन आर, ए एंड ए आर क्या बन जाएंगे, चलो यहाँ पर वन, और आर कितना है, टू बाई फाइव, टू फाइव बाई बन जाएगा, नंबर आपका फाइव बाई टू हो जाएगा, ए आपका वन है, सेकेंड नंबर आपका वन हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड नंबर टू बाई फाइव आपका, दो सीट। चलो आगे, ठीक नेक्स्ट बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, 15-13 है, क्या क्वेश्चन है अभी, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, दिस एक जीपी दी हुई है, थ्री थ्री स्क्वेयर आर एडेड टू गिव सम वन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी है थ्री 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 स्क्वेयर थ्री टू एस 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 कहां तक है, ठीक है, आर नीडेड टू गिव सम वन, ये जीपी की टर्म्स दी हुई है, इनका सम कितनी टर्म्स का सम 120 होगा, मतलब हमें एसएन एक टाइप से गिवन है, एसएन क्या गिवन है, 120, जीपी की कितनी टर्म्स का सम 120 होगा, मतलब हमें एन फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि सम ऑफ एन टर्म्स इज 120, एन टर्म्स का सम क्या है, 120 है, अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन,
अच्छा एक बात, यहाँ पर अगर आप आर फाइंड करना चाहते हैं तो आर क्या होगा? a2 by a1 और 3 square by 3, 3 square by 3, ये आपका 3 आ जाएगा। आर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, आर आपका क्या आएगा? ये आएगा, करेक्ट। आर मिल गया आपको, ये तो आपके पास पहले से ही है। एस एन क्या हो जाएगा? 3 to the power n -1 अपॉन आर -1 यानी कि 3 -1, व्हाट इज इट? 3 into, हाँ दिस इज इक्वल टू 120। ये तो गिवन है ना कि ये 120 है, तो एस एन की जगह क्या लिख दो आप? 120 डिग्री, 120। ये हो गया अभी 120 इज इक्वल टू 3 into 3 to the power n -1 अपॉन, राइट, ये 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 राइट में लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 120 into 2 निकल गया सर मेरा, ठीक अपॉन 3, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 to the power n -1, ठीक है निकालिए तुमने, हो गया, ऐड कर दो कितना आ गया? 40, तो 42 जा, दिस इज 80 इज इक्वल 3 to the power n -1, 1 को लेफ्ट में लिया, 81 हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू 3 to the power n, और 81 को क्या लिख देंगे? 3 की पावर n, एडिशन करोगे एन आपके क्या बजट, ठीक बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, इंग्लिश पे अच्छी राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16, जीपी की 3 टर्म्स का सम कितना है? 16, यानी कि S3, S3 इज इक्वल टू सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 16, सम ऑफ देयर नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। इस बात का क्या मतलब है? अगली 3 टर्म्स का क्या मतलब है? नेक्स्ट 3 टर्म का मीनिंग कौन बताएगा? नेक्स्ट 3 टर्म्स का मीनिंग कौन समझाएगा? बता सकता है कोई बच्चा? अगली 3 टर्म्स इसका मतलब है बच्चे देखो, ये होगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म हो गई। अगली 3 टर्म का मतलब है क्या? फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, अगली 3 टर्म का मतलब है कि ये 3 टर्म, पहले 3 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है? 16, उसके बाद अगले वाली 3 टर्म यानी कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 128। अब एक बार बताओ, अगर आपको पहली 6 टर्म में से आप 3 टर्म्स का सम माइनस कर देते हो, पहली 6 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस कर देते हो, तो क्या बचेगा? अगली 3 टर्म्स का सम, यानी कि S6 - S3, तो ये सिर्फ आपके पास अगले वाली 3 टर्म्स का सम बचेगा, और ये आपको कितना दिया हुआ है? 128। कितना दिया हुआ है? 128। अब एक बार बताओ, S3 की वैल्यू तो है ना हमारे पास, तो यहां से S6 कितना आ गया? S3 की वैल्यू है 16, ठीक है, इज इक्वल टू 128, और यहां से क्या आया? 16 को राइट में ले जाके ऐड कर दो, S6 की वैल्यू आ गई 144। S6 की वैल्यू कितनी आ गई? 144। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन, एक तो ये इंफॉर्मेशन है, दूसरा ये वाली, ये सॉरी
ये वाली इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे बताओ, कैसे यूज करेंगे? एस थ्री का फार्मूला बताओ, एस थ्री का क्या फार्मूला होता है अभी कौन बताएगा? एस थ्री इज ए इंटू आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तो होता है तीन टर्म्स के सम का फार्मूला, थ्री टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। एंड दिस इज गिवन टू अस 16, क्या गिवन है? 16 गिवन। नाउ ए हमारे पास नहीं है, आर हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा दिस इज, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल दू। एंड एस सिक्स कितना है बच्चों? 144। एस सिक्स कितना है? 144। एस सिक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दिस इज 144। ये दो इक्वेशन आपके पास 3 एंड 4, इनकी हेल्प से आपको ए और आर फाइंड करना है। इनकी हेल्प से आपको कैसे करोगे? डिवाइडिंग टीवी में यूजली ऐसे दो इक्वेशन आ जाती है ना, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई तो यहाँ पर होता है बच्चों डिवीजन, डिवाइडिंग 3 इक्वेशन 3 बाई 2, सॉरी 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। बताओ क्या आएगा? इसको हमें इससे डिवाइड करना है, फोर्थ ये फोर्थ है, ये फोर्थ है। 4 को हमें 3 से डिवाइड करना है, यानी कि हमें ए इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इसको डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करना है ए इंटू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 से डिवाइड। अगर इसे डिवाइड करना है तो लेफ्ट से लेफ्ट साइड डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी। अब आर माइनस वन से आर माइनस वन कट कर लो, ए से ए को कट कर लो, बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास आर सिक्स माइनस वन। न्यूमरेटर में तो क्या बचेगा? आर सिक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में बचेगा आर क्यूब माइनस वन। अच्छा एक बात बताओ, ये दो टर्म बचेंगे बाकी सब? आर सिक्स माइनस वन, इस पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर थ्री का होल स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, इस पे क्या अप्लाई हो जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या अप्लाई हो जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आर सिक्स या एक बार लिख दो, आर सिक्स माइनस वन अपॉन आर थ्री माइनस वन, दिस इज, इसको तो इससे काट ही सकते हो, ये आ गया हमारे पास 9। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया हमारे पास आर थ्री माइनस वन इंटू आर थ्री प्लस वन अपॉन ना आर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 9। आर थ्री से माइनस वन से आर थ्री माइनस वन कट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास आर क्यूब प्लस वन, क्या करेंगे? आर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 9, वन को राइट में लेके जाएंगे, आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर क्यूब 8 को लिख सकते हो 2 का 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर क्यूब, कंपैरिजन से हम लिख सकते हैं आर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? लिख लिया फर्स्ट फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ टर्म एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म आर मिल गया हमें, कहाँ पर डालोगे आर की वैल्यू? इक्वेशन 3 में डाल दो, इक्वेशन 3 में डाल के आर में डाल के ए की वैल्यू निकालो।
आर क्या है? 2x। इक्वेशन 3 में अगर डालते हो पाई इक्वेशन 3 सुनाया था बोलने का प्लस 7 ए, ए तो हमारे पास है नहीं। आर क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दिस इज गिवन टू अस, ये हो जाएगा 7 16 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आकाश ये आ गया। अब फाइंड करना आपको सम ऑफ एंट्रेंस एसेंट नहीं ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, ये कितना है 16 बाई 7। आर कितना है 2, 2 टू द पावर एन माइनस 1, हम 2 माइनस 1 क्या जाएगा, तो इट इज 16 बाई 7 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस, ये आपका सम ऑफ एंट्रेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन ने जीपी विद एज दिस 7th टर्म इज 64, एज दिस डिटरमाइन जीपी विद एज 729, 7th टर्म कितनी जीपी होगी, 7 पढ़ना ध्यान से, 7th टर्म ही दिया ना, 7th टर्म इज 64 एक जीपी है जिसकी 7th टर्म क्या है 64 है। 7 का मतलब ए 7, 7 इज 60 ठीक ना, और ए 1 क्या दिया हुआ है 729, ये तो हम ए दिया है, ए 7 का फॉर्मूला बताओ भी, ए आर 6 64 ठीक है, ये तो दिया है 729 आर 6 60 729 आर 6 क्या आ गया यहाँ से 64 अपॉन 729, क्या करेंगे आर की वैल्यू क्या होगी, बताओ इसका आप लिख सकते हो 2 अपॉन 3 की पावर 6 बाय कंपैरिजन क्या आ जाएगा आर 2 बाई 3 ठीक है, आर 2 बाई 3 अगर हम भी अपना रंग में अब देखना जरा, ये 764 दिया हुआ है यानी कि ए आर 6 या कह दो कि बाई 1 बाई 1 ए आर 6 इज 64 निकालना क्या था हमें, आर तो मिल गया ना हमें, S7 ए निकालना है, ए तो दे रखा है फिर ये क्यों कर रहे हैं, एस 7 ढूंढना है क्योंकि अब तो हमारे पास ए भी है और आर भी है, एस 7 कितना होगा, ऐसे S7 क्या होगा, ए इंटू आर हमारा दूसरा दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस आर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस 7 हमारा कितना आ गया 1 माइनस आर कितना है 2 बाई 3 एस टू पावर 7, ये कितना भी
की पावर 6, ठीक है। दिस इज 3 to the power 6, ये क्या बना अभी, 1 minus 2 to the power 7 अपॉन 3 to the power 7, और नीचे क्या हो गया, 3 minus 2 1 by, दिस इज 3 to the power 6। अरे इसको ध्यान से देखना, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लो यहाँ पर एलसीएम, 3 to the power 7 minus 2 to the power 7 अपॉन में क्या आएगा, 3 to the power 7 आएगा ना, और ये वाला 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 7 बन गए। अब ये 3 की पावर 7 कितना होता है, 729 इनटू 3, 729 3 6 में, हाँ 3 इनटू 3, 729 इनटू, तो वो नेट सेवन, -2 की पावर 7 कितना होता है, 128, माइनस करके हम सी, नेक्स्ट इसमें जो फाइंड करना था मिल गया हमें, मैं जाने का टाइम नहीं लगा, दस मिनट 48 हो गया है, तो आंसर नहीं है, तो आंसर आएंगे 8 to the power 6 इज इक्वल टू दिस, ये तो आठ यहाँ की से पावर 6 से 2/3 की पावर 6 कैसे आया था, ये 64 2 की पावर 6 होता है, ये 3 की पावर 6 होता है, माइनस प्लस माइनस कितना होता है, एक बार आपको माइनस साइन देके आंसर पूछेगा, और एक बार आपको दूसरी बार आपको क्या करना है, आर इज इक्वल टू -2/3, ठीक है, और S7 आपको एक आंसर और निकालना, ऑल राइट करोगे इसको, मैथ बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फास्ट, मेरे जाने का टाइम हो एक गया है, सेकंड बताएं, GP फॉर विच फर्स्ट टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट, एक जीपी फाइंड करनी है, और उस जीपी में क्या है, फाइंड ए जीपी फॉर विच द फर्स्ट टर्म इज -4, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस, तो वो फर्स्ट टू टर्म्स दिया है, यानी कि a1 + a2 कितना दिया है, -4, a1 + a2 कितना है, -4, एंड फिफ्थ टर्म दी हुई है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, एक तो ये दिया, एक दिया फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म। अच्छा एक बात बताओ, a1 तो a होता है और a2 होता है ar, ठीक है, दिस इंप्लाइज a यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 + r इज इक्वल टू, अभी देखेंगे इसका क्या करना, जैसे सिंपलीफाई करो, -4 ए फाइव इज ए आर फोर, -4 ए फाइव इज ए आर फोर, और ए क्यूब क्या है, ए थ्री क्या है, ए इंटू आर स्क्वायर, ए से आप ए कट कर सकते हो,
ए से आप टिकट कर सकते हो। बेटे पैर तो आर फोर इज इक्वल टू 4 R स्क्वेयर। आर स्क्वेयर को यहां से कट कर दें, 2 पावर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर, आपका कितना आ गया आर यहाँ पर प्लस माइनस टू। एक बार आर को टेकिंग आर इज इक्वल आर को क्या ले लेंगे टू, तो ए इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। ए क्या आ जाएगा -4 बाई, ये 3 बनेगा, 3 राइट। क्या निकालना था हमें, जीपी निकालनी है, तो जीपी क्या बन जाएगी ए -4 बाई 2, ए इंटू आर -8 बाई, ठीक है, ए आर स्क्वेयर -16 बाई, क्या ठीक है। और ऐसी ही एक जीपी आप आर को माइनस लेकर बनाए, ठीक है। फिर आर इज इक्वल टू -2, आर को अगर -2 ले लिया जाए इस इक्वेशन में डालो, मान लो ये 1 2 3 जो भी है, ठीक है, तो बाई थ्री क्या आएगा हमारे पास, ए इज वन, ये जो निकालना है आर को हमने लिया इस बार, आर कर सकते को इस बार क्या ले रहे हैं -2, तो 1 -2 इज इक्वल टू हैं। -4, ये -1 बचेगा, ए इंटू -1 इज इक्वल टू -4, -2 कर दो, ए इज इक्वल टू, ठीक है। चल पूजा काम दिया था कुछ, इसलिए काम तो दिया था कुछ होमवर्क, वही दिया था सर, उसमें अरे अभी कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, दे लेंगे 2 दिन, मंडे दे लेंगे सर 2 दिन, को टेस्ट दे दो इस चीज का, तो सबने थैंक्स सर, मेरे कर रखा है सेक्स, दे दो चलो वाले हैं। मतलब दे। एक्शन में सीन हाँ मतलब ट्वेल्थ है ना हमारी क्लास, हाँ करो अगला क्वेश्चन करो। हम काम तुम लोग क्या कर रहे थे, चलो आगे दिन के साथ ही कर लेंगे, शायद तुम लोग पिछले बार क्या कर रहे थे, रिवीजन शुरू किया था। अच्छा हाँ उसको आगे बोलो, इसका अगला मिशन है।